नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश के पहले रक्षा प्रमुख फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री बिपिन रावत जी का देहांत हो गया है, तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको नमन करते हुए अपने यूट्यूब की शुरुआत करता हूँ और उनके जीवन के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। जनरल बिपिन रावत जी, उनके साथ उनकी वाइफ श्रीमती मधुलिका रावत जी और अन्य 11 लोग ने अपनी जान गंवाई है तमिलनाडु में कन्नूर में, जहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। श्री बिपिन रावत जी हमारे देश की शान थे। उनके जाने से हमारे देश का हर जनमानस बहुत दुखी है और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कृपया सुनते जाइएगा। बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और उनकी मृत्यु कल 8 दिसंबर 2021 को हुई। श्री बिपिन रावत जी भारत के पहले रक्षा प्रमुख रहे और उन्होंने यह पदभार 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया था। उससे पहले वे भारतीय थल सेना के सैन्य अध्यक्ष भी रहे हैं। बिपिन रावत जी 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे। श्री बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उन्होंने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपनी सेवा देनी प्रदान की थी देश को। 1978 से उन्होंने NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से उन्हें रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में MPhil की डिग्री भी प्राप्त हुई थी। मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज और डिफेंस स्टडीज में MPhil भी किया था। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से ग्रेजुएशन भी किया था। उन्होंने हायर कमांड कोर्स भी किया था यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज, जो कि फोर्ट लेवनवर्थ कैंसास में था। 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी गई थी। उन्होंने रिसर्च किया था मिलिट्री मीडिया और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। दोस्तों, PDS जनरल श्री बिपिन रावत जी को भारतीय सेना से और भारत सरकार की तरफ से बहुत से सम्मान मिले हैं। इन सम्मान का सिलसिले बार आपको बता रहा हूँ नाम, कृपया उनको ध्यान से सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मान पदक हैं, मेडल्स हैं, जो किसी भी सैनिक अधिकारी के लिए और किसी भी भारत के महान इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुए उनमें प्रमुख हैं PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल, UYSM उत्तम युद्ध सेवा मेडल, AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल, YSM युद्ध सेवा मेडल, SM सेना मेडल, VSM विशिष्ट सेवा मेडल। दोस्तों, उन्होंने 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक हमारे देश को अपनी सेवाएं दी। महान व्यक्ति का जाना हमारे देश के लिए सत्य है बहुत, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। दोस्तों, अपने कैरियर में श्री बिपिन रावत जी ने बहुत महान कार्य किए। उन सबकी व्याख्या करना यूट्यूब चैनल में संभव नहीं है, मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ। 1987 में 1987 में सिनो इंडियन स्किमिस, जो कि इंडिया और चाइना का चोंगडोंगचू वैली में, जो कि मैकमोहन लाइन है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे, वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था तो उन्होंने बखूबी उसको संभाला वहाँ पे। इसके अलावा UN मिशन कॉन्गो में
उनको जिम्मेदारी दी गई थी जो उन्होंने बहुत बखूबी संभाली। 2015 में म्यांमार में स्ट्राइक्स हुई थी, इसकी जिम्मेदारी संभालने की भी उनको दी थी और उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया था और अपना काम बखूबी निभाया था। हमें गर्व है कि ऐसे महान सपूत ने हमारे देश में जन्म लिया। इसी के साथ मैं श्री नितिन रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना यूट्यूब चैनल का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। साथ में उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी और अन्य 11 लोग जिनकी जान गई, उन सबकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। भगवान उन सबकी आत्माओं को शांति दे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।